जयपुर की यात्रा में घूमने की 11 प्रमुख जगह कौन सी है? आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। नमस्कार, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। जयपुर की यात्रा आपके लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव साबित हो सकता है। मेरी जयपुर यात्रा का यह वीडियो पहली बार गुलाबी नगरी आने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी होगा। यह उन्हें सीमित समय में अधिक स्थानों को घूमने में मदद करेगा। जयपुर का नाम इसके संस्थापक महाराजा जय सिंह के नाम पर रखा गया है। यह शहर काफी आधुनिक है। इसकी अपनी एक पहचान है जिसे ज्ञान, विज्ञान और कला के विलय से बनाया गया है। मैं आपके साथ अपना जयपुर 2 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम साझा करूंगी। यह आपके लिए जयपुर यात्रा गाइड के रूप में कार्य करेगा। यदि आप 2 दिनों के लिए जयपुर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इस वीडियो में बताए अनुसार घूम सकते हो। पहला दिन, शहर के केंद्र में स्थित सिटी पैलेस की यात्रा से अपने दिन की शुरुआत करें। परिसर में स्थानों का अन्वेषण करें और जंतर मंतर और हवा महल जैसे आसपास के आकर्षण देखें। एक अच्छे दोपहर के भोजन के बाद अल्बर्ट हॉल संग्रहालय और बिरला मंदिर जाएं। जौहरी बाजार और बापू बाजार में कुछ स्थानीय खरीदारी के साथ अपना दिन समाप्त करें। दूसरा दिन, सुबह जल्दी शुरू करें और अम्बर किला घूमने जाएं। पास ही स्थित पन्ना मीना का कुंड और जयगढ़ किले की सैर भी करें। यहां से सीधा मुख्य शहर की ओर बढ़ें और रास्ते में आने वाले जल महल को भी देखें। मुख्य शहर में दोपहर का भोजन करें और गलताजी मंदिर की ओर बढ़ें। शाम ढलते ही चौकी ढाणी जाएं। कुछ घंटे बिताने और शानदार राजस्थानी भोजन करने के बाद अपने प्रवास अथवा अगले गंतव्य पर वापस जाएं। जयपुर की यात्रा का पहला दिन, अपने जयपुर यात्रा के पहले दिन आप पुराने शहर की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ के अधिकांश आकर्षण एक दूसरे से पैदल दूरी के भीतर स्थित हैं, इसलिए आपको अधिक यात्रा नहीं करनी होगी। आप नीचे बताए गए स्थानों को इसी क्रम में कवर कर सकते हैं। यह शहर में यात्रा करने का सबसे कारगर तरीका है। यह यात्रा में लगने वाले समय को कम करने में मदद करेगा और आपको प्रत्येक आकर्षण में अधिक समय देगा। एक दिन में देखने के लिए ये बहुत अधिक स्थान लग सकते हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, आप इन्हें एक दिन में कवर कर सकते हैं। आप अपने स्वाद और आराम के स्तर के आधार पर कुछ स्थानों को छोड़ सकते हैं। सिटी पैलेस, अपनी जयपुर की यात्रा की शुरुआत शानदार सिटी पैलेस से करें। सुबह का नाश्ता करें और सुबह 9:30 बजे तक पैलेस पहुंचें। सिटी पैलेस गुलाबी शहर के केंद्र में स्थित है और शहर जितना ही पुराना है। राजस्थानी और मुगल शैलियों का शानदार वास्तुशिल्प मिश्रण, यह पहला स्थान है जिसे आपको अपने जयपुर में 2 दिन के कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। महल मूल रूप से महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा 1729 और 1732 के बीच बनाया गया था, लेकिन बाद के राजाओं द्वारा स्मारक में कई विशेषताएं जोड़ी गईं। सिटी पैलेस परिसर बहुत बड़ा है और अलग अलग हिस्सों को देखने के लिए आपको अलग अलग टिकटों की आवश्यकता होती है। मूल टिकट के साथ आप केवल कुछ गैलरी और बाहर से महल देख सकते हैं। महल में आगंतुकों के लिए एक संग्रहालय है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छात्र और आम जनता स्वयंसेवकों द्वारा दिए जाने वाले संगीत, नृत्य और कला जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन कर सकते हैं। महल के भीतर एक बाजार है जहां सुंदर चादरें, रजाई, कुर्तियां और स्मृति चिन्ह मिल सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें देख कर सकते हैं। हालांकि मुझे यह बाहर के बाजारों की तुलना में थोड़ा महंगा लगा। जंतर मंतर सिटी पैलेस के ठीक बगल में स्थित है जंतर मंतर वेधशाला। अगर आप खगोल विज्ञान और विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपको जंतर मंतर का दौरा करना चाहिए। सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशाला में 19 वास्तुशिल्प खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। यह एक ऐसी जगह है जहां मैं आपसे एक मार्गदर्शक को नियुक्त करने पर जोर दूंगी। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि विशाल यंत्र आज भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। चूंकि वेधशाला एक खुली जगह है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने आप को सूरज से बचाने के लिए टोपी या स्कार्फ ले जाएं। हवा महल या हवाओं के महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया था। यह गुलाबी शहर में राजपूत वंश के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। यह 5 मंजिला महल धनुषाकार छतों और कई छोटी खिड़कियों और स्क्रीन के साथ पिरामिड के आकार का है। महल के सामने के हिस्से में जटिल नक्काशी और विवरण दिखाई देते हैं और छोटी से छोटी चीज पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। गुलाबी शहर में इस शानदार महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही घर की महिलाओं को शहर के चारों ओर चल रहे औपचारिक जुलूसों के दृश्य की अनुमति देना था, जबकि वे छोटी खिड़कियों के पीछे बैठी थीं। इन 3 महत्वपूर्ण क्षणों को कवर करने के बाद आप दोपहर के भोजन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हवा महल क्षेत्र के पास कई रेस्टोरां और भोजनालय हैं। दोपहर के भोजन के बाद अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जाएं।
इंडो सारासेनिक वास्तुकला में निर्मित यह संग्रहालय राजस्थान राज्य में सबसे पुराना है। यह राजस्थान का राजकीय संग्रहालय भी है। आप यहां अपने फ़ोन से तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अपने कैमरे का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे ही आप संग्रहालय देखते हैं, शाही वास्तुकला आपको चौंका देती है। संग्रहालय में कुछ बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, पेंटिंग और कलाकृतियां हैं। संग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद के लिए एक ऑडियो टूर करें। संग्रहालय रात में अद्भुत दिखता है जब यह प्रकाशित किया जाता है। आप रात में इस क्षेत्र को पार करते हुए इसे देख सकते हैं। संग्रहालय से चलने योग्य दूरी पर एक सुंदर बगीचा रामनिवास बाग है। आप चाहें तो यहाँ टहल सकते हैं। यदि आप थकान महसूस करते हैं तो आप कुछ खरीदारी के लिए सीधे निकल सकते हैं, अन्यथा सीधे मंदिर की ओर बढ़ें। बिरला मंदिर, मंदिर हिंदू भगवान और धन की देवी लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। यह सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है। आंतरिक और बाहरी दीवारें हिंदू धर्म, धार्मिक विचारकों और दार्शनिकों की नक्काशी और शिक्षाओं से सजी हैं। यह सूर्यास्त के समय बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है। यदि आपके पास अभी भी कुछ समय और शक्ति बाकी है तो आप कुछ स्थानीय बाजारों की ओर जा सकते हैं। यदि नहीं तो अपने होटल में वापस जाएं। बापू बाजार जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह बाजार आपकी सभी ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आप इस बाजार में उचित मूल्य पर प्रामाणिक जयपुरी चीज़ें खरीद सकते हैं। यदि आपको स्मृति चिन्ह खरीदना है तो यह जगह उसके लिए उपयुक्त है। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी अद्भुत है। यहाँ कुल्फी फलौदा आजमाएं, आपको यह पसंद आएगा। जौहरी बाजार जयपुर में खरीदारी करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यद्यपि आभूषण के लिए सबसे प्रसिद्ध है, आप यहाँ कई अन्य चीज़ें पा सकते हैं। इनमें चमड़े का सामान, बेडशीट, कपड़े आदि शामिल हैं। सुनिश्चित करें कि आप कीमतों की तुलना करें और खरीदने से पहले गुणवत्ता की जांच करें। खरीदार के बाद आप आसपास कुछ खा भी सकते हैं। जयपुर की यात्रा के दूसरे दिन आपको थोड़ी दूर की जगहों पर जाना चाहिए। यहाँ वे स्थान हैं जो मैं आपको अपने जयपुर के दूसरे दिन के दो दिन के कार्यक्रम में शामिल करने की सलाह दूंगी। आमेर का किला, जयपुर के सबसे महत्वपूर्ण महलों की यात्रा के साथ अपने दूसरे दिन की शुरुआत करें। लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर में बने और प्राकृतिक रूप से बने रिज पर स्थित आमेर किला गुलाबी शहर जयपुर की शान है। आमेर या अंबर किला एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और राजपूत और मुगल शैली के अलंकरण का मिश्रण है। किला राजा मान सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था, जो सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आमेर किले के सामने की ओर एक छोटी सी झील है जो इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। शीश महल किले का सबसे खूबसूरत पहलू है। दर्पण का काम आपको अचंभित कर देगा। आप किले को पूरी तरह से देख सकते हैं और गाइड भी रख सकते हैं। ऑडियो गाइड भी उपलब्ध हैं, हालांकि वे बहुत अच्छे नहीं हैं। जयगढ़ किला, आमेर और जयगढ़ किले पास में स्थित हैं और इसे एक एकीकृत संरचना माना जाता है। ये दोनों महल एक सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप आमेर किले से आसानी से जयगढ़ किले तक जा सकते हैं। आमेर किले से जयगढ़ किले तक पहुंचने में हमें लगभग आधा घंटा लगा। यदि आप रक्षा और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो जयगढ़ किला आपको विशेष रूप में पसंद आएगा। किले में एक संग्रहालय, शस्त्रागार है और दुनिया का सबसे बड़ा कैनन जीवन भी है। जयगढ़ किले को एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इसे आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इस किले की एक और दिलचस्प विशेषता जो हमारे गाइड ने हमें बताई, वो इसकी जल संचयन प्रणाली है। महल में मानसून जल संग्रह, निस्पंदन और उपयोग के लिए एक विस्तृत प्रणाली है। किला आमेर किले के साथ साथ पूरे जयपुर शहर का एक शानदार दृश्य प्रदान करता है। बहुत से लोग इस स्थान पर नहीं आते हैं, इसलिए आपके पास कुछ चित्रों को क्लिक करने के लिए पर्याप्त स्थान और समय है। पन्ना मीना का कुंड, ये अंबर किले के पास एक सुंदर ऐतिहासिक कुएं और वर्षा का पानी जल ग्रहण है। सीढ़ियाँ सुंदर हैं और कुछ अद्भुत चित्रों के लिए एक आदर्श स्थान है। आप यहाँ आधा घंटा तक बिता सकते हैं। यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। जल महल, आमेर किले से वापस जाते समय जल महल पर रुकें। हालांकि यह जगह शाम को सबसे अच्छी तरह से देखी जाती है, फिर भी दोपहर में जाना बुरा नहीं है। जल महल का निर्माण भी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यह गुलाबी शहर में मानसागर झील के केंद्र में स्थित है। इस खूबसूरत महल के निर्माण का उद्देश्य पूरी तरह से मनोरंजक था। बाद में 18वीं शताब्दी के दौरान महाराजा जय सिंह द्वितीय ने महल और झील का नवीनीकरण किया। हालांकि महल अब निर्जन है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। स्मारक की पहली चार मंजिलें पानी के भीतर हैं। आगंतुक केवल ऊपरी मंजिल देख सकते हैं।
महल विशेष रूप से मानसून के दौरान मंत्रमुग्ध कर देता है जब लाल पत्थर का काम साफ और नया प्रतीत होता है। आपको पैलेस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और आपको सैर से दृश्य का आनंद लेना होगा। आप झील के किनारे ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं और महल के सामने तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। पेशेवर फोटोग्राफर पास में भी उपलब्ध हैं जो आपकी तस्वीरों को क्लिक करेंगे और आपको जगह छोड़ने से पहले आपको हार्ड कॉपी प्रदान करेंगे। झील के पास कुछ समय बिताने के बाद दोपहर के भोजन के लिए जाएं। गलताजी मंदिर। अगला पड़ाव गलताजी मंदिर या बंदर मंदिर है। यह एक प्राचीन मंदिर परिसर है जिसमें कई मंदिर हैं। मंदिर की मुख्य विशेषता इसके प्राकृतिक झरने हैं। पहाड़ी झरने से झरने का पानी मंदिर में जाता है। 7 अलग अलग कुंड हैं जहां तीर्थयात्री स्नान करते हैं। आप मंदिर के आसपास लोगों को बंदरों के लिए मेवा और केले बेचते हुए पाएंगे। मेरा सुझाव है कि अगर आप बंदरों से डरते हैं तो आप इन्हें खरीदने से बचें। मैं खुश थी कि मैं कोई भोजन नहीं ले गई क्योंकि मैंने बंदरों को आगंतुकों के हाथों से भोजन छीनते हुए देखा। आप मंदिर तक दो तरह से पहुंच सकते हैं। मंदिर तक एक सीधी टैक्सी, ऑटो रिक्शा, अपना वाहन ले जाएं। यह वो विकल्प था जिसे हमने लिया। हम चलने के मूड में नहीं थे। यह मार्ग आपको रानी बग्घा के माध्यम से ले जाएगा। शहर की तरफ से मंदिर तक जाने का दूसरा रास्ता है जहां आपको चलकर जाना होगा। चोखी ढाणी। आपकी जयपुर की यात्रा का अंतिम पड़ाव चोखी ढाणी होना चाहिए। चोखी ढाणी एक राजस्थानी थीम्ड लग्जरी हेरिटेज रिजॉर्ट है। यह जयपुर के बाहरी इलाके में स्थित है और कुछ घंटे बिताने के लिए एक सही जगह है। यदि आप शाम को कुछ घंटों के लिए अपने आप को जयपुर में पाते हैं तो यह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसमें मनोरंजन, भोजन और खरीदारी सभी शामिल हैं। आप यहां लोक नृत्य, गायन, ऊंट की सवारी, कठपुतली शो आदि का आनंद ले सकते हैं। सभी जगहों पर शॉपिंग, आर्केड, हट्स और शेक और छोटे प्रदर्शनियां हैं। इन सबको देखने में आपको थोड़ा समय लगेगा। आपको केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे विभिन्न राज्य संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिलती है। सच कहूँ तो हमने जितना उम्मीद की थी यहाँ हमें उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आया। जयपुर कैसे पहुँचे? जयपुर यात्रा के अनुकूल गंतव्य है। यह देश के विभिन्न हिस्सों से उड़ानों, रेलवे और सड़कों के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। उड़ानों द्वारा जयपुर को भारत के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली नियमित उड़ानें हैं। कुछ एशियाई शहर जैसे कि शारजाह, दुबई, कुआलालंपुर और बैंकॉक भी जयपुर के लिए सीधी उड़ान चलाते हैं। रेलवे द्वारा यह जयपुर की यात्रा के लिए सबसे अधिक बजट के अनुकूल विकल्प है। जयपुर रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र में स्थित है, इसलिए आपको अपने होटल या शहर के प्रमुख आकर्षणों तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। रास्ते से जयपुर दिल्ली, आगरा, अजमेर आदि जैसे कई भारतीय शहरों के काफ़ी करीब है, इसलिए आप बस यात्रा कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही जानकारी के वीडियो आपको हमेशा आगे मिलते रहेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। इसी वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।